सिवान में पहला बार भइल आधुनिक लाइब्रेरी के शुरुआत। जी हाँ, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के शुरुआत भइल सिवान में, जौन की रामराज मोड़ पर प्रगति क्लासेस के बगल में थर्ड फ्लोर पर अवस्थित बा, जौन की आधुनिक सुविधा से लैस बा, जैसे कि पूरा कैंपस वाईफाई सुविधा से सुसज्जित बा, एसी हॉल बा, गर्ल्स और बॉयज खातिर सेपरेट पढ़े के व्यवस्था बा, लाइब्रेरी 2400 घंटा पढ़े के सुविधा देता। साथ ही गरीब छात्र जे की आर्थिक रूप से कमजोर बा, ओकरा के विशेष छूट भी दी। तरुआ अगर अपना सपना के पंख देवे के चाहत नहीं, तरुआ खातिर एगो बेहतर सुविधा यहाँ सिवान में हो गई बा। बड़ा शहरन में एह तरह के सुविधा पहले से चलल आवत, जहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी पहले से रहल, लेकिन सिवान में लाइब्रेरी तो रहल, लेकिन एह तरीका के आधुनिक लाइब्रेरी पहला बार सिवान में खुलल है, जौन की स्टूडेंट खातिर बा। तो स्टूडेंट खातिर सिलेबस के अलावा अन्य प्रकार के बुक भी यहाँ पर उपलब्ध रहे, स्टूडेंट आके यहाँ पर पढ़ाई कर सकते रहे, वो भी शांत वातावरण में, काहे कि यहाँ पर साउंड प्रूफ हॉल के भी सुविधा बा, जौन की पूरा तरह से वातानुकूलित बाटे, जौना में आसानी से बैठ के पढ़ाई कल जा सकता। ए लाइब्रेरी के काल भव्य शुरुआत भइल, जौना में सदर सीईओ एसआई शाहजहां खान, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, राहुल तिवारी, राजू शाह मुखिया इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद रहल। इस संबंध में हम बच्चों को यही निर्देश देना चाहेंगे और साथ ही यहाँ के बच्चों को एक सजेस्ट भी करेंगे कि इस तरह का लाइब्रेरी का लाभ उठावें और शांति से इसके निरीक्षण में पढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें। यह बच्चों को शांति से पढ़ने का एक माहौल तैयार करेगा, इससे बच्चों में नई जागरूकता आएगी। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है लाइब्रेरी में, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? जैसे बात यह है कि ये हम देखते हैं पटना में, गोरखपुर, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर स्टूडेंट लाइब्रेरीज हैं, ताकि कोई भी बच्चे अगर कहीं ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ हल्ला ज़्यादा हो रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं स्टडी पर, तो वो लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकते हैं। सिवान में ऐसी अभी तक कोई ऐसी लाइब्रेरी खुली नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ इसके खुलने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर हर फैसिलिटी है, सेपरेट कैबिन्स हैं, सेपरेट सीट्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग रोज हैं, फिर साउंड प्रूफ हॉल है यहाँ। तो ये फ़ायदा है कि आपको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के बुक, हर चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। जैसे होता है कि आए हैं तो पानी वगैरह सही है या नहीं, उन सब की फैसिलिटी है यहाँ पर। गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग टाइम्स भी हैं कि हाँ, गर्ल्स की सिक्योरिटी भी है कि सुबह 6 से शाम के 7 तक गर्ल्स आ सकती, उसके बाद नहीं आ सकती। बाकी बॉयज़ के लिए 24 आवर ओपन है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर साउंड प्रूफ है, तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा स्टडी कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है स्टडी पर, यहाँ पर स्टडी का इन्वॉल्वमेंट है, माहौल यहाँ का अच्छा है। सिवान में लाइब्रेरी रूम का उद्घाटन किया गया, क्या लग रहा है यहाँ बच्चों का हुजूम देखने को मिल पाएगा? बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं अभी इतने सारे बच्चे हैं, जबकि अभी उद्घाटन है, फिर भी यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए हैं और बहुत सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि सिवान में ये पहली ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे स्टडी पर और बिना किसी हल्ले के, बिना किसी शोरगुल के शांत माहौल में पढ़ पाएंगे, तो बिल्कुल यह सक्सेस करेगा। मेरा नाम डाक्षी श्रीवास्तव है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने लाइब्रेरी का जो खोलने का मेरा मकसद, मतलब पढ़ाई का माहौल एक क्रिएट करना, ठीक, इसके वजह से मेरे सब ज़िले में, मतलब सब जगह पे थे, ऑल स्टेट में थे, लेकिन मेरे सिवान ज़िला में लाइब्रेरी का कोई व्यवस्था नहीं था। तो मैंने अपने जो भी गरीब बच्चे थे यहाँ के, उनके लिए मैं एक पढ़ाई का, मतलब अच्छा माहौल सोचे कि एक दिया जाए पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी का ये सोचकर अपने से डिसाइड किया खुलने के लिए। फी वगैरह भी है? फी भी है इसका, घंटे के, मतलब जैसे मतलब जो लड़के पढ़ेंगे जिस घंटे से, उस घंटे से यहाँ पे फ़ी है, ठीक है। और मेरे यहाँ एक और ये है कि आर्थिक रूप से जो भी मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, कमज़ोर हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल मेरे पास वो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। फी वो के लिए, उन लोग के लिए एकदम डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट है उन लोग के लिए, गरीब लोग के लिए डिस्काउंट। जी जी, अदर ऐसे लोगों और अदर ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, 5 घंटे, 10 घंटा, 15 घंटे, 20 घंटे, और नाइट में भी है। नाइट में बस बॉयज़ के लिए अलाउ है, और जो जितने घंटे पढ़ने, मिनिमम मेरे यहाँ 400 रुपया फी है, मिनिमम 5 घंटे की।
और क्या कुछ फैसिलिटी आप दे रहे हैं? ठीक है, मेरे यहाँ ये फैसिलिटी है, यहाँ पे न्यूज़पेपर है, आरओ है, मैगजीन है, करंट अफेयर है, डेली का अपना हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और यहाँ पे आरओ वाईफाई फ्री है, फुल इंटरनेट, और यहाँ पे मतलब जो भी पढ़ाई का जो माहौल दिया जाता है उस सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। कहाँ पे खुला है ये? सिवान में है, रामराज मोड़ नियर प्रगति क्लास 3rd फ्लोर पे। मतलब सीमान अपने सीमान जिले के स्टूडेंट को मैं यही निर्देश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ना स्टूडेंट चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मेरा जॉब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं कोचिंग में वो घर जाते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, इसके लिए यहाँ पे आपने आइए और अपने लाइब्रेरी में 5 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ना है अपना पढ़ाइए, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए, कोई आपसे कॉन्टैक्ट कर जी जी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्प्ले पे होगा और भी वायरल हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8521949047 8521949047। मेरा नाम राम बाबू। डायरेक्टर आप जी?